हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल कमल होम कुकिंग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी स्टाइल में चना बिरयानी। आज का मेन्यू है हमारा चना बिरयानी। जी व्यूअर्स, हैदराबादी चना बिरयानी किस किस को पसंद है? सबसे पहले मैंने चावल जो हैं उनको बॉयल कर लिया है थोड़ा सा नमक डालकर। इसके बाद हमने बॉयल चने लेने हैं, ग्रीन मिर्च लेनी है, प्याज हमने काट लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हम लोगों को, टमाटो पेस्ट चाहिए हम लोगों को, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले पैन लेकर उसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने प्याज डालकर अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। जी व्यूअर्स, हमारा प्याज तकरीबन ब्राउन हो गया है, इसको साइड पर निकाल लें। इसके बाद ऑयल में हमने टमाटो पेस्ट ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, ये आप देख सकते हैं। टमाटर के ऊपर से छिलका उतार लें तो बहुत अच्छे से ये हो जाता है मिक्स। इसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्च कूटी हुई थी वो हमने ऐड कर देनी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं बॉयल चने, जो मैंने पहले से ही बॉयल किए हुए थे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने गरम मसाला डालना है इसमें, मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। नमक ऐड करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद हमने लाल मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद हमने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना है। इसके बाद हमने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। इसके बाद हमने धनिया पाउडर ऐड करना है और साथ में हमने बिरयानी मसाला ऐड करना है। जी व्यूअर्स, इसके बाद हमने इमली डालनी है। कुछ लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं। हमारे चने भुन चुके हैं, हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। साथ में हमने केवड़ा कलर, बिरयानी कलर जिसको कहते हैं, वो डाल देना है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी इसकी लुक लग रही है। इसके बाद हमने पुदीना ऐड कर देना है, बहुत ही अच्छा मिंट का फ्लेवर आता है, लाजमी डालिएगा। साथ में जो प्याज हम लोगों ने ब्राउन किया हुआ था वो आपने डाल देना है अच्छे तरीके से। इसके बाद आपने इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची अगर काटी हुई है तो डाल दें, अगर साबुत डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। अब हमने दम के लिए चावलों को रख देना है। दम से निकालने के बाद के मनाजर आप देख रहे हैं। जी व्यूअर्स, बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह इनकी लुक लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। एडिटिंग करके देखें आप भी इसी तरह, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी हैदराबादी चना पुलाव बिरयानी आपकी तैयार है। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। डिश में निकालें, सर्व करें, खुद भी खाएं। Stay tuned my channel. Thank you so much. दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।